इस बार हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने उग्र रूप दिखाया और लगातार हुई भारी बरसात ने चारों ओर तबाही मचाई। शिमला समेत प्रदेश के कई इलाकों में लगातार 48 घंटे तक बारिश होती रही, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला कि लोग घरों में भी खौफ के साए में रह रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अब मौसम प्रदेश में कुछ राहत बख्श सकता है। अगले कुछ दिनों तक कम बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश में जारी मानसूनी बरसात में गिरावट देखने को मिली है और आगामी 21 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त के बाद एक बार फिर प्रदेश में बरसात का दौर बढ़ सकता है और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। सुरेंद्र पॉल ने बताया कि ऐसे में प्रदेश के कुछ इलाकों में अलर्ट भी जारी किया जा सकता है। सुरेंद्र पॉल ने बताया कि बात अगर पूरे अगस्त महीने की करें तो महीने के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर मॉनसून में तेजी देखने को मिल सकती है। बहरहाल लगातार बारिशें रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक बड़ी अड़चन बनी हुई है। ऐसे में बरसातों से अगर राहत मिलती है तो प्रदेश में जारी राहत और बचाव के काम को तेजी मिल सकती है। देखिए, बारिश ऑलरेडी कम हो चुकी है, पिछले 48 आवर्स में काफी कम हो गई है और आने वाले 3 से 4 दिन में बारिश कम ही रहेगी, इसमें और कमी आएगी। उसके बाद फिर 21 22 23 के आसपास कुछ रेनफॉल में इंक्रीज होगा, बढ़ेगी रेनफॉल, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी पहले हुई है। तो करीब भी 1 वीक का टाइम अभी ऐसा है जिसमें मानसून की बारिशें कम होंगी, ओवरऑल कंट्रोल रहेगा, न केवल प्रदेश के अलग अलग जगह पे लेकिन जो कैचमेंट्स हैं जैसे सतलुज है, ब्यास है, यहाँ पे भी बारिशें, ओवरऑल बारिशें कम होगी अगले 5 से 7 दिन। देखिए, प्रेडिक्शंस ठीक रही, हमने हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल्स 11 से 14 तारीख तक दिया हुआ था। ऑरेंज अलर्ट हमने बड़ा कंटिन्यूस रखा था इन दिनों में और साथ साथ में हमारे अलर्ट जो कि उस पर सचेत पोर्टल पे जो प्रदेश सरकार को जाते हैं, आपदा प्रबंधन को जाते हैं, बड़े रेगुलर रहे और हुआ भी है। बारिशें बड़ी कंटिन्यूस रही, 3 दिन लगातार बारिशें रही, उसमें मुख्य तौर पर जिला शिमला, सिरमौर, सोलन, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, यहाँ पे लगातार 3 दिन कंटिन्यूस रेंज रही। इस स्पेल में तो ऐसे 2 जगह पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुए, कोटाला एक मंडी में है और वहाँ पे एक और स्टेशन है जहाँ पे पुराने रिकॉर्ड ब्रेक हुए। अदरवाइज रेनफॉल जो है पहले भी इस तरह की हुई है, ऐसा नहीं है कि अगस्त में इसी स्पेल में ऐसी बारिश होगी कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे। जहां तक ओवरऑल आगे अगस्त की बात है, अभी ये संभावना है कि थर्ड लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है कि रेनफॉल एक्टिविटी फिर बढ़ेगी, तो तात्पर्य है कि नॉर्मल मानसून हो सकता है, उसमें फिर से जो है एक बार मानसून एक्टिव होगा, लेकिन अगले 4 से 5 दिन अभी बारिश में काफी कमी रहेगी। बारिशें होंगी लेकिन स्कैटर्ड बारिशें होंगी, बीच बीच में 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। अलर्ट्स ऐसे नहीं है अभी, कुछ येलो अलर्ट बीच बीच में कुछ जिलों में हमने रखा है जहाँ पे काफी बारिशें हुई है, बाकी ऐसा कोई बहुत ऑरेंज अलर्ट या इसके ऊपर की अभी चेतावनी नहीं दी।